छोड़ो। ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं सर, एकदम परफेक्ट लग रहा है। सही लग रहा है, बैठ के देख लो। बिल्कुल परफेक्ट है, वरना पहले ऐसे करता था ना, थोड़ा ऐसे ऊपर करता तो पीछे पेन होता था। और अभी जो प्रॉब्लम है, अभी बिल्कुल एकदम फ्री सर। अच्छी ऐसे लग रहा है ना, जैसे पेन से पहले की जो बैक थी ना, वैसे लग रहा है। नॉर्मल बिल्कुल करता सर, एकदम फ्री। यहाँ खिंचाव होता है क्या? कभी-कभी आता है सर। या इस लेफ्ट में, राइट में, साइड आता है सर, इस तरफ राइट आता आता है। अभी तो बहुत कम होगा, बिल्कुल कोई मामूली सा। मामूली से अब तो नहीं है ना? नहीं नहीं आता तो यहीं था। हाँ पहले यहाँ पे आता था, पहले तो सर काफी ज्यादा आता था। कोई कटकट साउंड तो नहीं आ रही ना? नीला छोड़ दो, नीला छोड़, नीला 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 नीला। सांस लेंगे, छोड़ो। क्रॉस करो, क्रॉस 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 क्रॉस, स्टे देयर। सांस लीजिए, छोड़ दें। दोनों घुटने मोड़ लें, इसको मोड़ लीजिए। अंदर दबा दो, अंदर दबा दो, अंदर। सांस ले लो, छोड़ते हुए दबाना है। एक सेकंड, फिर से दबाना। सांस लो, छोड़ते, दबा दो, दबा दो। बस सीधा कर दो आप दोनों पाँव। पल्विक बैलेंसिंग के लिए किया मैंने ये। उल्टा लेट जाओ। यही सब भी टाइट लगता है क्या? नहीं लगता। सांस लो, छोड़ो। थोड़ा सा नीचे सरक जाओ, हल्का सा, बस बस, हाथ वहीं पे। ढीला छोड़ना है, टाइट मत करो। हाँ सांस लो, छोड़ दो। सांस लेंगे, छोड़े, फिर से छोड़े। फिर से छोड़ो। सांस लें, छोड़ देंगे, फिर से लें, छोड़े, फिर से लें, छोड़े। सांस लेना है आपने, छोड़ना है, फिर से छोड़ें। सीधा लेट जाओ, बॉडी को
पाँव ऐसे जाने दो बाहर आराम से, नहीं पाँव को पाँव को पाँव को ऐसे छोड़ो, रीला पकड़ो मत, हाँ लूज कर दो, लूज कर दो। हम करेंगे स्पाइनल डिकम्प्रेशन, ठीक है? ठीक है, ऐसे लाइन में जैसे जाएगा रस्सी के जैसे पीछे तक, एक सेकंड के लिए सांस रुकेगा, कैच करेगा, घबराना नहीं आपने। आया पीछे से लूज करें, लूज लूज इसको आप ऐसे कर दीजिए, टीला छोड़ने बॉडी। लूज कर देंगे आप, जस्ट इजी इजी। यहाँ से तीन क्रैक आएंगे, ठीक है, L4 L5 S1 और L3 का, ठीक है सर। उस तरफ जाइए, आ गया, सीधा कर दो, इसको ड्रॉप कर दो नीचे, नीचे छोड़ दो, नीछे छोड़ दो, नीचे जाने दो, नीचे नीचे गिरा, नीचे छोड़ दो, आप यहाँ छोड़ दो, बस 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 हाथ पकड़ लो अपना। सांस लें, छोड़ दें, किस तरफ ब्लॉकेज लग रहा है? इस तरफ ब्लॉकेज लग रहा है, लेफ्ट साइड छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, ढीला, एक और पीछे आ जाओ, बस यहाँ से पकड़ लो हाथ, गर्दन ऊपर रखनी है, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, सांस लो, छोड़ो, बस। एल्बो दे दो मेरे को, ढीला छोड़ो, आगे देखो, आगे देखो, ढीला छोड़ो, लूज कर दो, इस वाले को भी सामने देखो, सामने, फ्री है दोनों तरफ से, अब तो मक्खन जैसे घूम रही है दोनों तरफ से। पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टिफनेस था, अब नहीं है। चल के देखो कैसा लग रहा है, चलने में प्रेशर लग रहा है दोनों तरफ, बराबर लग रहा है ना, या एक तरफ लग रहा है कि एक तरफ ज़्यादा प्रेशर ले रहा है टांग, एक तरफ कम प्रेशर ले रही है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं सर, एकदम परफेक्ट लग रहा है। बैठ के देख लो, वरना पहले ऐसे करता था ना, थोड़ा ऐसे ऊपर करता था तो पीछे पेन होता था। और कितने साल से प्रॉब्लम रही आपको ये? सर मेरे को ये प्रॉब्लम अभी 2 ईयर से थी, और 2 ईयर से मेरे को ये वाली प्रॉब्लम, बैक इतना स्टिफ रहता था, जैसे आज का दिन निकलना एकदम हार्ड हो जाता था, कि पहले ही डर लगने लग जाता था कि कल का दिन ऐसे निकलेगा, पूरा ऐसे पेन के साथ पहले ऐसे डर सा लगने लग जाता था। और अभी जो प्रॉब्लम है अभी बिल्कुल एकदम फ्री सर, ऐसे लग रहा है ना जैसे पेन से पहले की जो बैक थी ना वैसे लग रहा है, नॉर्मल, बिल्कुल सर एकदम फ्री। ये पेन जो बताया था, ये जो पेन है यहाँ, इसमें 100% रिलीफ आ गया जी सर। लेग वाला पेन, लेग की तरफ पेन, वो भी बिल्कुल एकदम क्योर हो गया, बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, साथ के साथ में गर्दन घुमाने में दिक्कत थी, हाँ ये थोड़ा सा था यहाँ पे, लेकिन अभी ये देखो सर बिल्कुल एकदम फ्री है। ये था प्रवीण पहले वाला, हाँ जी, अगर आप इसमें देखो एक्सरे में, ये हमने लिया था 14/4/2022, यानी करीबन करीबन एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता हो गया बिल्कुल। तो एक हफ्ते पहले स्पाइन का अगर कर्व देखें, आपकी बोन सारी रेडी है, पूरा सीरीज रेडी है, मैंने मार्किंग भी जैसे किया हुआ है, अलग अलग पूरी लाइन रेडी आती है, ठीक है। अब एक्सरे है, ये
ये एक्सरे है 20/4/2022 का, यानी आज का। बिल्कुल। तो इसमें देखें तो ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, हाँ जी सर, ये स्पाइनस प्रोसेस है जो हमने यहाँ मार्क कर रखी है। तो स्पाइनस प्रोसेस ना एक के ऊपर एक होनी चाहिए सारी की सारी, क्योंकि एक के ऊपर एक हड्डी रखी होती है। जो टेढ़ापन था सारा का सारा इसमें बिल्कुल इट हैज़ बीन इम्प्रूव कम्प्लीटली। जैसे कि नॉर्मल एक्सरे में होता है, नॉर्मल एक्सरे भी ऐसे ही रहता है, अगर आप देखेंगे तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये वाइट वाइट ही है, ये सारी के ऊपर एक है। आपका जो ये एक्सरे है इट मैचिंग विद द नॉर्मल एनाटॉमिकल एक्सरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्पेस इंटरवर्टिकल स्पेस जो है वो भी इम्प्रूवड हो गया है काफ़ी, काफ़ी थिक था मतलब काफ़ी पतला था, अभी आप देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूव हो गया इसमें गैप। हाँ सर, काफ़ी अच्छा हो गया, ये भी काफ़ी गैप इम्प्रूव है आपका। यहाँ का कर्व मेंटेन्ड हो गया है क्योंकि यहाँ पे एक सी कर्व होना चाहिए, तो यहाँ पे भी सी कर्व है। जैसे कि नॉर्मल एक्सरे है इसमें सी कर्व है ना, तो ये भी आपका नॉर्मल सी कर्व है। तो पहले नहीं था सर ये, पहले नहीं, पहले वाला एक्सरे में नहीं है ना, वही तो पहले नहीं था ये। अब पहले वाला सी कर्व देखिए तो इसमें आप डिस्टॉर्टेड है पूरा, बिल्कुल ये पूरा सीधा बना है इसके अंदर, इसमें कर्व पूरा आ गया। दिन रात का अंतर है, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है इसमें। ओनली थिंग्स यू नीड टू टेक केयर इज, क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा है, हाइट बहुत ज़्यादा है आपकी, तो जब हाइट होती ज़्यादा तो उसके साथ एक प्रॉब्लम साथ में आती है, प्रॉब्लम आती है अनस्टेबिलिटी की, क्योंकि स्पाइन जब लंबी होती है तो लिवरेज भी लंबा चला जाता है, ठीक है, क्योंकि जब फोर्स उठाओगे, जब कुछ सामान उठाओगे तो एक लिवरेज होता है, लिवरेज का मतलब जितना छोटा लिवरेज रहेगा उतना मजबूती रहती है, क्योंकि स्पाइन इतनी लंबी होगी तो लिवरेज भी बहुत छोटा होगा, सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया जी। उस केस में यहाँ की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी आपको, कोर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जी सर, उससे जो समस्या है दोबारा आपकी नहीं लौट के आएगी। अगर आपने कोर स्ट्रॉन्ग नहीं किया और ऐसे ही आप अपने आप को पुश करते रहोगे तो दिक्कत हो सकती है जी, है ना। तो सीधी सी बात है, आप गाड़ी मजबूत टायर होंगे तभी चलेगी, वीक टायरों पर गाड़ी नहीं चलेगी, तो आपको मजबूती वहाँ की मसल में लानी पड़ेगी जरूर से जरूर, ठीक है। एक चीज़ जैसे सोने का पोस्चर मैंने उस दिन भी बताया था आपको, सोने का पोस्चर ठीक करना पड़ेगा आपको, है ना, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सोना, ठीक है। नींद इसमें ही आएगी, बैक पेन वाले को ज़्यादातर इसमें नींद आती है, लेकिन ये पोस्चर ठीक नहीं होने देगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें पल्विक टिल्ट रहता है पूरी रात और स्पाइन कंप्रेस रहती है। जो ये पेन था साइड वाला इसी वजह से था। हाँ सर, मैं ऐसे ही सोता था तो इसी वजह से, तो है कि कैल्शियम की कमी नहीं थी, वो तो मसल स्पाज्म था, कंपनसेटरी मसल स्पाज्म बिकॉज ऑफ द बैक, ठीक है। सीधा सोएंगे वो आपको समस्या दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो अब मेरे को स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तो कौन सा पोस्ट से और कितने टाइम तक बैठना है मेरे को? देखो, एक तो ना डेस्क थोड़ा आपको ऊपर वाला लेना पड़ेगा, आप ऐसे झुक के नहीं बढ़ सकते, प्रेशर बढ़ेगा और पूरा टिका के बैठना पड़ेगा आपको। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है एक फ़ोटो बैठने का तरीका, मतलब आप ऐसे झुकोगे नहीं बिल्कुल भी लैपटॉप पे कुछ काम करने के लिए, ठीक है। पूरा सपोर्टेड रहना चाहिए बैक और ऐसे पूरा अंदर आपको रखना पड़ेगा आपको, मतलब दूर नहीं रहोगे ऐसे, पास रहना डेस्क, क्लोज आगे एक पढ़ने का डेस्क आता है ना उसे रख के पढ़ोगे, और मेक श्योर आप थोड़ा इधर उधर घूमते फिरते रहो, बीच बीच में जैसे एक घंटा आधा घंटा लगाया फिर सवा समय लेट के नीचे की तरफ, मतलब सीधा फर्श के ऊपर, उससे स्पाइन डिकम्प्रेस हो जाएगी। वॉकिंग करनी ही करनी है चाहे कितना बिजी हो, वॉकिंग इम्पॉर्टेंट है, सुबह और शाम दोनों टाइम, दोनों टाइम जी सर। और क्रॉस सीटिंग सर, चौकड़ी मार के? हाँ जी कर सकते हो चौकड़ी मार के, लेकिन सपोर्ट थोड़ा सा रखना पीछे, एक डेढ़ महीना थोड़ा सा। और वेट वगैरह ये तो हो गया, और ट्रैवल टाइम सर, बेल्ट यूज़? देखो, अगर लोकल ट्रैवल कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, अगर मान लो जाना है 6-8 घंटे का सफ़र है तो सपोर्ट देना, गाड़ी के पीछे एक बैक रेस्ट आता है वो लगाएं, अगर कहीं चढ़ना है हिल स्टेशन टाइप में जा रहे हो तो बेल्ट जरूर लगाना, सपोर्ट देना पड़ेगा आपको थोड़े दिन, एक डेढ़ महीना एटलीस्ट, ठीक है सर। और चिनअप्स पुशअप्स और थोड़ा ये एक्सरसाइज, ये कब से थोड़ा स्टार्ट? चिनअप्स कर सकते हो, पुशअप स्टैटिक रह के कर सकते हो, ठीक है। पुशअप्स में भी यही कि स्पाइन के अंदर बेंड नहीं आना चाहिए, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। स्टैटिक प्लंक कर सकते हो, माउंटेन प्लंक नहीं कर सकते, स्टैटिक कर सकते हो, मतलब आइसोमेट्रिक जो जो कर सकते हो कर लेना, डायनेमिक नहीं करोगे आप। और
यही है सर। पर ठीक है, मेरी सलाह यही है कि थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना धीरे धीरे करके। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जिम जाते थे तो एकदम से, जो जिम नहीं जाता उसको थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है, जिम नहीं जाएगा। तो ठीक होने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब एकदम से एक्साइटेड नहीं होना, थोड़ा थोड़ा योगा करना, एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी कर करके, फिर धीरे धीरे करके जिम करना, कार्डियो करके, है ना, और थोड़ा प्रोटीन डाइट इनटेक थोड़ा बढ़ा लेना, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलें, टेक केयर। ठीक है।